नमस्कार जी, कैसे? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक हो गए। तो आज मैं सूट की कटिंग और सलवार कटिंग करना बताऊंगी और सिलना भी बताऊंगी। तो मैं सरोज के सिल रही हूँ 6 सूट, 3 तो कटिंग हो चुके हैं, 3 रह रहे हैं। दीदी को बोलना मैं थोड़ा इधर कर ले, अच्छी तरह कटाई बता देगी। चलो बताओ दीदी। अब इधर काउंटर नहीं है तो मैं नीचे बैठ के काट रही हूँ। अच्छा, हाँ तो कोई नहीं। और सलवार की लंबाई सरोज की 38 तो लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो 38 है तो 5 इंच अपने ऊपर से निकाल दिया, 5 इंच को। अच्छा, बेल्ट का। हाँ जी, ठीक है। तो नीचे से ले लिया अपने 40। अच्छा, 40 को ले लिया, 5 इंच निकाल नहीं दिया, 5 की बेल्ट नहीं लगेगी, 5 की बेल्ट लगेगी, ठीक है। और 16 इंच के अपने निकाल दिए के तख्ते गोडे। अच्छा, गोडे भी कहते हैं, कुंदे भी कहते हैं, तख्ते भी कहते हैं इसको। अच्छा, 3 तरह के, जिस तरह हरियाणवी में तख्ते और हिंदी में गोडे और पंजाबी में कुंदे, ठीक है। अच्छा, ये 40 इंच की कटाई कर दी सलवार की। हाँ, ये साइड से बेल्ट निकल आई, ये वाली बेल्ट है। हाँ, तो गाइस आप देखते रहो। आप पूछ रहे थे ना इस मतलब कटाई, तो दीदी के ब्लॉग पे ना अब आगे आगे सारी ये कटाइयाँ मिलेंगी। सुनीता किस नाम से है? हैं, सुनीता और मुस्कान के नाम से दीदी का ब्लॉग है, बायो में लिंक है। ये आगे आगे में ना जितनी भी आपको कटाइयाँ मिलेगी तो दीदी का उस चैनल पे हर एक पे मिलेगी। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हाँ, दीदी ठाकुर जी की तो ड्रेस ऐसी ऐसी सिलती है, दिखाना बेटा वो ड्रेस। तो ये क्या कर रही है अब? ये कलियां हैं। कली? हाँ। अच्छा, वही 5 इंच छोड़नी है। अच्छा, और लेनी है लंबाई, ठीक है। इधर से लेना अपन 10 इंच का आसन। अच्छा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, भारी लेडी जो। हाँ, तो उसका लेना अपन 17 इंच का। अच्छा, आसन। और पतली सी हो जैसे सरोज भर की, उसका लेना अपन 13 इंच का आसन। अच्छा, बेल्ट समेत 13 का लेंगे। तो ये आपने 10 इंच का लिया है, तो 5 इंच की बेल्ट आ गई। अच्छा, उसमें 2 इंच का निफा होगा, 13 इंच का तैयार होगा, ठीक है। हाँ, ये दिखाना है मेरे पे भाई, यहाँ पे वो एक मिनट रुक जा, फुट्टा वगैरह उसका नहीं, एक मिनट रुक जा। तो मैं यहाँ से ऐसे ही लूंगी इसको। अच्छा, वो नहीं है इनके पास में, स्केल नहीं है ना जिसके पास, के हिसाब से कटन हो रही हूँ मैं यहाँ पे। तो दुकान पे आपको सब तरीके से दिखाऊंगी, तो अभी तो मम्मी के हिसाब से ही कटिंग करा रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, नहीं है इधर, ठीक है। तो ये ऊपरली साइड का क्या निकल गया? दोनों कलियाँ निकल गई। अच्छा, एक ही होगी। हाँ, एक ही होगी। अच्छा, उधर से निकल गए थे अपने कुंदे और बेल्ट, ठीक है। ये देख लो भाई, आप बोलते हो बताते नहीं हो, बताते नहीं हो। ये देख लो, तो ये दोनों सेम होगी अब? सेम करनी है, अच्छी हो ही नहीं है। अच्छा, ये करनी पड़ेगी ऊपर रख के। हाँ, सेम करनी है, तो ये कटिंग हो जाएगी। वो परली साइड कोना कट जाएगा अब, ये तो बराबर ही हो गया दोनों। हाँ, कपड़ा कम था ना तो बराबर हो गया, नहीं तो फालतू रहता कपड़ा, तो कम है इसमें कपड़ा। अच्छा, सूट। हाँ ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो सरोज के सूट सिल रही है, और सुनीता दीदी तो मतलब अभी काटे हैं, तो सिले सिलाई डालती हैं, ये सिले नहीं डालते। हाँ, और ये अभी अभी काटा है, और देख लेना सील देगी। कितने? 6 सूट काटे हैं, 6 सूट ये सील देगी। और अब ये कमीज की कटिंग होगी। अच्छा, कमीज की। तो गाइज आप देख सकते हो पूरा लाइव चल रहा है। अच्छा, तो पहले इसको है ना ऐसे देखना पड़ता है भाई, कहीं से कान तो बंगा तो नहीं जा रहा। अच्छा, तो सेंटर में लाना पड़ेगा पहले। अच्छा, ऐसे नहीं धर के काट दिया, पहले अच्छी तरह इसको झड़काओ और देखो भाई बंगा तो नहीं है कहीं से, मतलब टेढ़ा तो नहीं है। टेढ़ा जाएगा तो बंगा सूट फिर जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह सेंटर करो, हर चीज का देखो, ये ऊपर निकल आया ना। हाँ, तो इस तरह ये निकल गया, टेढ़ा होगा तो है। अब ये नीचे से भी देखो। अच्छा, पहले गला सिला गया था? हाँ,
सिला अच्छा सिला सिला आया था तो इसको इस तरह भी छाप लिया ठीक है। तो नीचे से भी काने निकली है, अब इसको भी सेट करेंगे और इसको भी सेट करेंगे दोनों चीज़ों को। नूनिया ही गला सेट होगा तो फिर ऊपर भी से भी सेट कर देना, जहाँ जाना है जान दो उसको। तो इसने ले लिया अपने लंबाई से, सरोज की लंबाई है सूट की 38। तो भाई आप देखते रहे ना ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे छाती के हिसाब से 6, कमर के हिसाब से 14 ठीक है। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये चेस्ट का आ गया। हाँ। ये चेस्ट का, ये कमर हिप। अच्छा, ये नीचे की हिप। अच्छा, अब कमर है स्रोत, चेस्ट है 34-2 इंच फर्क तो लेंगे। अच्छा, और ज्यादा भारी हो तो आप 2.5 भी ले सकते हैं, 2.75 भी हो सकती है, उसमें अलग अलग हिसाब होगा सब चीजों का ठीक है। अच्छा। पतले के हिसाब से अलग बताऊंगी, लेडीज का सरोज है पतली हमारी तो उसके हिसाब से ही बता रही हूँ। अच्छा, मुस्कान है 1.5 इंच लेती मैं। अच्छा, 1.5 इंच में सिलाई ज्यादा लूज करूंगी तो कंधे टूट जाएंगे। अच्छा ठीक है, उसके हिसाब से मैं 1.5 इंच फर्क लूंगी। तो कमर उसकी 28 इंच, 1.5 इंच यहाँ से लेंगे अपन ठीक है। अच्छा, हिप है 19.5, हिप वैसे की वैसे लेंगे 19.5, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा ठीक है। और घेरा अच्छा 10 इंच यहाँ से लेंगे। तो गाइस आप देखते रहे ना, मेरे को तो पता नहीं है आपको तो फिर देना कहाँ कमी है कटिंग में। हाँ, कमेंट करके बताना। हाँ। कमी हो तो कमी पूरी करेंगे। दुकान पे मेरे पे हर चीज होगी, यहाँ पे मेरे पे कुछ भी नहीं है ठीक है। तो दीदी की शॉप है करनाल के अंदर, और दीदी के ब्लॉग में ना दीदी से आप मिल भी सकते हो ठीक है। कटाई मतलब जो सूट ब्यूटी खोल रखा है ना, ब्यूटी खोल रखा है, मेरे को तो पता ही नहीं ब्यूटी में, तो इतना पता है सिलाई सेंटर खोल रखा है। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर? तीरा लेंगे, इसका है 6.5 ही लेंगे ज़्यादा। अच्छा, जो ऊपर बाजू का। हाँ, अच्छा, और 1.5 इंच लेंगे अपन इसके अंदर की साइड से ठीक है। तो हमारा तो हाथ बैठा हुआ है, क्यों हम दिन रात कटिंग करते हैं तो डेढ़ पे ही जाएगा निशान। हाँ, अंदाजा पूरा होता है, पूरा होता है, तो इसके हिसाब से हम ऐसी कटिंग करते हैं आगे की। तो अंदर की साइड लेंगे जो, वो हम लेंगे इधर से 1.5 इंच के अंदर से लेंगे ऐसे सीधी लेके, फिर यहाँ से गोलाई होगी इसकी, वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको, पहले ये वाली कटिंग करते हैं। तो दीदी आप नहीं यही वो कर लो बस, पूरे दिन में कभी फिरो कभी वो आप कटाई वो करके वो दिखा दिया करो। तो ये आपने निशान लगाए, फालतू तो क्यों काट दिया? ये तो फिटिंग का निशान है ना। अच्छा, ये मार्जिन है जो अपन लूज टाइट लूज कुछ भी रह सके तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ कटिंग करते, फुटके के निशान लगाओ। ये कटाई क्यों कर दिया? यहाँ टुकड़े के निशान आएंगे, यहाँ पे हमारी फिटिंग टूट रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हिप का निशान है, यहाँ पे कमर का, यहाँ पे रिस्ट का। अच्छा, उसके हिसाब से कटिंग होगी। मुस्कान सीख रही है, मुस्कान को दिखा रही हूँ मैं। हाँ, मुस्कान कर सकती है ना, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कर भी लेगी। तो इसको भी ऐसे ही पकड़ना दोनों साइड से। ये क्या चीज है? बैकग्राउंड इसको ऊपर ये लगा दो। हाँ, इसको ऊपर रख के पूरी वही कटाई होएगी? नहीं, इसमें आगे ही कटिंग होएगी। इसकी अलग है, पीछे का तो ये है अपना, आगे की इसमें होएगी अगले वाले पीस में। अच्छा, चलो आप दिखाओ इसमें। तो गाइज कमेंट करके बताना, कोई 19-21 हो तो माफ करना, आपकी बच्ची है ठीक है। कमेंट करके बताना दीदी के बारे में भी। दीदी अलग अलग चीज है, अलग अलग हिस्स, हर टेलर का अलग स्टाइल मिलेगा आपको, जिसकी जितनी कटिंग देखोगे उसका अलग, जितने कहते हैं जितने डॉक्टर के पास जाओगे उतने अलग अलग दवाइयाँ मिलेंगी। इस तरह ही टेलर का हिसाब होता है कटिंग में। अच्छा, हर टेलर की अलग कटिंग पाएगी। मैंने 3 टेलर के पास सीख रखी है, तीनों की अलग अलग थी, एक की भी जिसना अलग थी
दूसरे की अलग थी, अपना तरीका अलग अलग हो जाता है सबका फिटिंग का। कोई 2 इंच का मार्जिन रखता है, कोई 1.5 इंच का रखता है, तो जिसकी समझ में आती है वही नोटिस कर लो। अच्छा, पीछे गला भी बड़ा कटेगा है? पीछे का नहीं कटेगा, गला नहीं होता पीछे का, पीछे का गला कटेगा, तो सरोज अपना ड्यूप डालती नहीं ना। अच्छा, तो कम ही कटेगा। तो ये क्या काट दिया? ये आगे की कटिंग करी है। अच्छा, आगे की 1.5 इंच करिए, पीछे की? पीछे की नहीं होगी, पीछे का ये उतना ही रहेगा, शोल्डर होता ना। हाँ, ये खींच नहीं मारेगा पीछे, ये कर दी तो ना कटिंग खींच मारेगा। अच्छा, तो आगे आगे यही कटिंग होगी, पीछे का गला आएगा अपना, मतलब आगे गला हो आगे। पीछे वो टैटू का भी बना सकते हो आप, बिना टैटू का भी बना सकते हो, तो मैं बिना टैटू का काट रही हूँ 5 इंच का गला। तो ये टेढ़ा कैसे नापते हैं बताओ एक बार? कई जैसा सीधा लेते हैं ऐसे। हाँ, मैं ऐसे लेती हूँ तिरछा। तो इसके वजह? वजह नु है भाई, गोलाई में ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो। अच्छा, तो बराबर हो जाए, बराबर आएगा। तो इसको इस तरह मिला दो, तो हमारी कटिंग वैसी होगी जिस तरह एक एक चीज वहीं पर ही जाएगी, जहाँ हम निशान लगावा ना लगावा। निशान तो मैं आपके लिए लगा रही हूँ, तो मैं ऐसे ही काट देती हूँ। ये तो है, ठीक है। अब ये बाजू, और इसको कब तक सील दोगे? घंटे में तैयार, 1 घंटे में, 1 घंटे में पूरा सूट तैयार है, कमीज में पूरा सूट। अच्छा, तो गाइस 1 घंटे के बाद आपको हम जरूर दिखाएंगे, इसी के अंदर जोड़ेंगे। दीदी ने सलवार भी काट दी और सूट भी काट दिया, और अब इसको सील लेगी, सीलने के बाद आपको हम दिखाएंगे एक ब्लॉग, ये पूरा सूट का होगा, ठीक है। ये बाजू कैसे लेते हैं? बाजू की लंबाई इसकी 5.5 सरोज है, 5.5 इंच लंबाई है। अच्छा, 2 इंच अंदर मोड़ने के लिए, तो ये रख दिया, 3 इंच कटिंग, मोटी कटिंग के लिए। मतलब समझ नहीं आया मेरे को, तो तेरे को नहीं आया तो बता। 5.5 इंच की तो बाजू होगी। अच्छा जी, 2 इंच एक्स्ट्रा हो गए। हाँ, तो 10 इंच उसकी मोरी हाथ हाथ की, ठीक तो है। तो ये आप ले लिया, और मोटा जाएगा इसका 15 इंच का, पतली है ना। हाँ, तो करके और यहाँ से इसको इस तरह करते करते आ ले जाए, ठीक है। और इसको और ये भी आगे की 1 इंच की कटिंग होगी आगे की। अच्छा, अच्छा, मतलब बाजुआ की पीछे के अलग, आगे की अलग होती है? ये आगे की है। अच्छा, इस तरह मोटे की पीछे की करिए ना, इस तरह ही ये पीछे की नहीं होगी, आगे की होगी। अच्छा, तो यहाँ पे अपन कुक मार देंगे, ये हो गया। अब सिलाई करूंगी, ठीक है। तो दीदी बैठ गई है मशीन पे, तो दीदी के लिए कूलर लगाया जाए यहाँ पर? ना ना, कूलर में उड़ेगा। उड़ेगा, तो ये क्यों, क्या कर रहे हो? ये धागे एक्स्ट्रा है इसमें, फिर की मैं निकाल। अच्छा, तो बल्ब लगवा दो यहाँ, एक बेटा एक बल्ब लगा दो यहाँ, यहाँ के इतना बड़ा है, थोड़ा घुमा ले इसको, ये इतना बड़ा बल्ब है, घुमा दे इसने, मशीन ने घुमा ले, इस साइड में कमर लगा ले। क्या लग करने लग रहे हो? ये फिटिंग का निशान है ना, दोनों तरफ से बराबर उठाना है। अच्छा, तो फिटिंग का निशान लगाओ, जब फिटिंग आएगी। तो सूट सिल ही दिया, गला गुला बना दिया है, बस फिटिंग जोड़ी जा रही है। अच्छा गाइस, अभी मशीन की रस्सी उतर गई है, अभी चढ़ेगी। देख लो, ओनली 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट में दीदी ने सूट सील दिया, और अभी आपको दिखा देते हैं, सरोज गई है अंदर पहनने। तो सुनीता, इतनी स्पीड, दिन के 20 मिनट में सिल जाती है, दिन के कितने सूट सील दे रही है? 15 हो जाए, दिन में
10 भी हो जाए दिन में कटिंग कर 10 भी 15 भी 20 भी। तो मुस्कान ठाकुर जी का दिखाने वाला सूट है, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये ठाकुर जी का सील रखा है, इतने इसके अंदर 1 2 3 बहुत अच्छा सील रखा है। तो ये देखो वाह जी वाह, फिटिंग दिखाना पीछे घूमना, यह तो ये तो छोटा बड़ा कर दिया, तुरपाई हो। तुरपाई हो। तो ये देखो दीदी ने इतनी स्पीड में सूट सील दिया, अभी आपके सामने काटा था और अभी सील दिया, कैसा लगा? सही लगा, एक दो घर के घर में डालने के सिलवाऊंगी, 2-3 बार अंदर ठीक लगा भाई। वाह सुनीता, पैरा मेरे नाम के जा। मानना पड़ेगा तेरी कला को। अब और भी सूट सिल इच्छा के चाहे, अभी तो आराम कर लिए, कल सिल लिए। तीन चुटकियों का। तो गाइज आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कर दे, बोल दे, चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल को जाके कालू की आईडी पे जाके नीचे बायो में लिंक है, सब्सक्राइब करें, जाके कटिंग हर कटिंग मिलेगी। तो आप कमेंट करके बताना इसको, दीदी ये कटिंग कर दो, ये सिखा दो, वो सिखा देगी, सिखा देगी ना सुनीता है। देख लो अभी 1 मिनट में सूट भी काट दिया और सील भी दिया, सील के दिखाएंगे रात को। अब क्या बजे 8:30, तीनों सूट सील के फिर आपको दिखाते। तो देखो गाइस अभी 8:30 बजे है, तो 8:30 भी कहा है, 8:15 हुए हैं। अभी चाय वाय पी लेती है दीदी, और उसके बाद देखो दीदी ने मशीन अंदर लगा ली है। तो दीदी एक काम करो ना, एसी में लगा लेने मशीन में, वहां पर भी तो बल्लभ है। आज कितनी सील लगी और इसके बाद? तीन और, दो सवेरे सारा समय निकाला, कुर्सी भी हो जाएगा। अच्छा। पूरा तो छोड़ के जाके सो जाइयो। चलो ठीक है, अब कितनी देर में सील देगी? 8:30 हो गए, 15-20 मिनट। तो गाइस बताओ फिर, मैं सारे सूट दिखाऊं या ये वीडियो में डाल दूं? वीडियो में डालती हूं ना, सिलते ठीक है।